और मुकेश सैनी की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला है। वीआईपी को चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चिन्ह मिला है। मुकेश सैनी का पुराना चुनाव चिन्ह जब्त तो हुआ था और अब मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को नया चुनाव चिन्ह मिला है। यानी कि बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सैनी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनकर इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। तो मुकेश सैनी की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला है, लेडीज पर्स मुकेश सैनी की पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। दरअसल मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी का पुराना चुनाव चिन्ह जब्त तो हो गया था। सनी हमारे साथ जुड़े हुए, सनी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मुकेश सैनी को नया सिंबल अलॉट हो गया है। कल ही वो INDIA गठबंधन में शामिल हुए हैं और लोकसभा के लिए उन्हें 3 सीटें दी गई। अभी तक आपोह की स्थिति थी कि बिहार की राजनीति में मलाह समाज के बड़े नेता मुकेश सहनी, जो पिछले कई वर्षों से राजनीति करते आए हैं, तो उनका क्या होगा। लेकिन कल फाइनल हो गया और आज उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए खुशखबरी भी है कि लेडीज पर्स छाप उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है। इससे पहले नाव था, उन्हें सीज कर लिया गया था और उसके बाद मुकेश सहनी ने आवेदन दिया था, ये रिक्वेस्ट किया था चुनाव आयोग से कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है लोकसभा के, उसके बाद 25 विधानसभा के, तो वो किस सिंबल से जनता के बीच जाएंगे। तो अब अलॉटमेंट हो चुका है और अब लेडीज पर्स छाप लेकर ही मुकेश सहनी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो INDIA गठबंधन में शामिल होने के साथ ही मुकेश सहनी के लिए ये दोहरी खुशी है। एक तरफ जहां गठबंधन में वो हिस्सा हुए हैं, उन्हें 3 सीटें मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट भी हो गया है। सनी, लेकिन नए चुनाव चिन्ह के साथ ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, महज कुछ दिन बचे हुए हैं, काफी मुश्किल होगी मुकेश सैनी के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुश्किल काफी होगी, इसलिए कि पार्टी पुराना है लेकिन सिंबल नया है और ऐसे में बिहार के 2 राजनीतिक दल जो मानकर चले तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीट पर मुकेश सहनी और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी चुनाव चिन्ह बदला है, उनको भी गैस सिलेंडर छाप मिला है जिस चुनाव चिन्ह को लेकर या जिस हिसाब से वो पहले चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन उन्हें काफी समय मिल गया लेकिन मुकेश सहनी को समय नहीं मिला है। तो ऐसे में मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने वोटरों के पास उस चुनाव चिन्ह को कैसे पहुंचाए, इसलिए कि जब 3 सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे तो वोटर असमंजस की स्थिति में होंगे कि आखिर किस चुनाव चिन्ह के साथ जाएं। तो कहीं ना कहीं अब मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी चुनौती है घर घर तक पहुंचाना। लेकिन मुकेश सहनी इसके पहले भी काम कर चुके हैं, घर घर तक अपना घोषणा पत्र और मलाह निषाद समाज को आरक्षण को लेकर जो उन्होंने पर्चियां बांटी थी, जो कार्यकर्ता उनके मजबूत है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो परेशानी है मुकेश सहनी के लिए वो थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन मुकेश सहनी जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो नया चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट हुआ है उसका क्या कुछ असर चुनावी परिणाम पर पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई, सभी 14 लोग